आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो, आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम, और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है, एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे, हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है, ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है लेकिन पहले तीन में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर, विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं उसके आधार पर, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप थ्री में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से
फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में भी देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा, टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं, ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है। और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था, उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है, वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते, तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते।